मैं देश का कपड़ा मंत्री रहा हूँ, आज बिहार का उद्योग मंत्री हूँ। तब जो कलाकार तब मिले थे वो आज यहाँ मिल गए। मैं देखने आया था कि बिहार की मधुबनी पेंटिंग में यहाँ पर ये लोग रंग भर रहे हैं, तो हमसे इन्होंने कहा, मैंने भी रंग भर दिया मंत्री जी। बिहार में उद्योग में भी रंग भरेंगे मंत्री जी। बुनकर जो हस्तकरघा उद्योग है बिहार में, जो बुनकर हस्तकरघा उद्योग है बिहार में, इसको लेकर किस प्रकार की संभावनाएं बनाई जाए? मैंने बताया है, बहुत संभावनाएं हैं। बिहार की कला को पूरे देश दुनिया में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्षेत्र की उसको किस तरह से प्रमोट किया जा रहा है? इसका देखिए है क्या, हम लोग कला संस्कृति और साहित्य से बड़ा लगाव रहा है, तो इसीलिए हम देखते हैं कि हमारे देश की, हमारे प्रदेश की चीज़ें जो हैं, जो कि बहुत ही गूढ़ और बहुत ही वैल्यूएबल चीज़ें हैं जिनको लोग जानते ही नहीं हैं, और इससे जुड़े हुए लोग जो हैं वो बड़ा संघर्षमय जीवन जी रहे हैं। तो इसी चीज़ को सोचते हुए इस दर्द का आभास हम लोगों को हुआ, तो हम लोगों ने बटरफ्लाई और मौलश्री हम लोगों ने मिलकर सौजाने से इसको इंटरनेशनली प्रमोट करने का और पब्लिसिटी इसको वर्ल्ड लेवल पे देने के लिए हम लोगों ने एक डिसीजन लिया, जिसके तहत हमने रेमन जी से डिस्कस किया कि आप आइए, हम लोग क्या करते हैं कि मधुबनी आर्ट से हम लोग शुरुआत करते हैं, फिर हमारे यहाँ के लोकगीत, संगीत, कला, क्राफ्ट, ये बहुत सी चीज़ें हैं जिनको हमारे सहयोग और मार्गदर्शन और सपोर्ट की ज़रूरत है। बल्कि बेसिकली देखा जाए कि हम और मीडिया और सब लोग मिलके इसको प्रमोट करें, ताकि दुनिया में जाने कि हमारे यहाँ कितनी वैल्यूएबल चीज़ें अवेलेबल हैं लेकिन जिनको कोई जानता ही नहीं है। तो इसीलिए इसी सोच को देखते हुए हम लोगों ने इसका एक छोटा सा कार्यक्रम यहाँ पे रखा। आगे ये कार्यक्रम क्या चलेगा? आगे ये कार्यक्रम ये है कि अभी तो हमने फैमिली और फ्रेंड्स सराउंडिंग के लोगों को बुलाया, फिर शहर के कुछ लोगों को बुलाना है, उसके अलावा स्कूल के बच्चों को बुलाना है, उनको इसके प्रति जागरूक करना है, अवेयर कराना है, और हमारे यही टीम उनको गाइड करेगी कि मधुबनी आर्ट जो है या पेंटिंग उसको कैसे किया जाता है। तो वो लोग आके बच्चे सीखेंगे, और हम चाहते हैं कि हम और आप दोनों मिलकर इसको इंटरनेशनली इसको क्या नाम है प्रमोट किया जाए। ABP News, आपको रखे आगे।